आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आज का प्रश्न है, 20 व्यक्तियों के एक समूह में 8 व्यक्ति चाय पीते हैं, कॉफी नहीं पीते हैं ना, और 13 व्यक्ति चाय पीते हैं ना, तो कितने व्यक्ति कॉफी पीते हैं, चाय नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हमारे पास क्या कह रहा है, हमारे पास 20 व्यक्तियों का एक समूह है ना, जिसमें हमारे पास 8 व्यक्ति क्या है, कॉफी चाय पीते हैं, कॉफी नहीं पीते, और 13 व्यक्ति चाय पीते हैं ना। देखिए दोस्तों, यहाँ अपने पास चाय पीने वाले कितने हैं, एन ओ टी ना, नंबर ओ पर्सन जो अपने पास चाय पीते हैं, तो वो अपने पास है 13 व्यक्ति जो अपने पास चाय पीते हैं, और हमारे पास क्या कह रहा है, 8 व्यक्ति चाय पीते हैं ना, चाय पीते हैं पर कॉफी नहीं है ना, तो कॉफी नहीं है ना, तो चाय पर कॉफी नहीं है, ऐसे हमारे पास कितने व्यक्ति हैं, ऐसे अपने पास 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति चाय पीते हैं, कॉफी नहीं पीते, और 20 व्यक्तियों के समूह में है ना, हमारे पास टोटल व्यक्ति कितने हैं, टोटल व्यक्ति अपने पास हैं, टोटल अपने पास 20 व्यक्ति है ना। तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब हमारे पास चाय या कॉफी पीने वाले कितने व्यक्ति हैं, टी यूनियन कॉफी, कॉफी मतलब किसी, तो चाय या कॉफी पीने वाले व्यक्ति अपने पास 20 है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ चाय या चाय पर कॉफी का मतलब, कॉफी नहीं का मतलब क्या हो गया, मतलब कि हमारे पास चाय पीने वालों में से चाय और कॉफी पीने वालों को घटा देंगे ना, तो मतलब कि हमारे पास एन ऑफ टी में से हम एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी को घटा देंगे, तो हमारे पास 8 के बराबर आएगा ना, यही कहना चाह रहा है। देखिए मैं वेन डायग्राम से यदि आपको समझाऊं है ना, तो देखिए दोस्तों, यहाँ से अपने पास ये मान लीजिए अपने पास चाय पीने वाले पर्सन, और ये मान लीजिए अपने पास कॉफी पीने वाले पर्सन ना, तो ये अपने पास चाय वाले, अपने पास कॉफी वाले ना, और ये अपने पास चाय और कॉफी दोनों वाले। अब ये कह रहा है कि चाय पर कॉफी नहीं ना, चाय पीते 8 व्यक्ति चाय पीते हैं, कॉफी नहीं पीते ना, तो चाय पर कॉफी नहीं मतलब ये वाले, तो मैं क्या करता हूँ, देखिए हमारे पास इस ये निकालने के लिए मैं एन ऑफ टी में से एन ऑफ टी इंटरसेक्शन निकालूंगा, तो वो अपने पास 8 आएगा ना, और अपने पास चाय पीने वाले अपने पास पूरे 13 हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ से अपने पास एन ऑफ टी का मान रख दो इसमें है ना, तो अपने पास एन ऑफ टी इंटरसेक्शन का मान आ जाएगा, तो देखिए दोस्तों एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी अपने पास है 8 है ना, एन ऑफ टी अपने पास 13, तो हो जाएगा अपने पास 13 माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी कितना आ गया, 8 है ना, तो यहाँ से अपने पास एन ऑफ टी इंटरसेक्शन के सी कितना आ गया, 13 माइनस 8 मतलब कि 8 और 5 13, तो यहाँ से अपने पास एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी आ गया 5। अब हमें क्या क्या निकालना है, कितने व्यक्ति कॉफी पीते हैं, चाय नहीं, तो देखिए दोस्तों कॉफी पीने वालों की संख्या निकालनी है, तो देखिए दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे पास एन ऑफ टी यूनियन सी क्या होता है, हमारे पास एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, तो देखिए दोस्तों यह हो जाएगा अपने पास एन ऑफ टी यूनियन सी कितना, एन ऑफ टी यूनियन सी अपने पास 20 है ना, तो ये अपने पास 20 बराबर एन ऑफ टी कितना है, एन ऑफ टी अपने पास एन ऑफ टी अपने पास कितने 13 ना, तो ये हो जाएगा अपने पास एन ऑफ टी 13 प्लस एन ऑफ सी में नहीं पता ना, कॉफी पीने वाले नहीं पता, माइनस एन ऑफ टी से इंटरसेक्शन सी अपने पास 5 आ गया, तो ये आ गया अपने पास 13 माइनस 5 8, 20 माइनस 8 क्या हो गया, ये हो गया एन ऑफ सी बराबर 12 ना, तो अपने पास 12 ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने पास कॉफी पीते हैं ना। अब हमें क्या निकालना है, केवल कॉफी पीते हैं चाय नहीं, तो देखिए दोस्तों ये हमारे पास क्या पूछ रहे हैं, कॉफी पर चाय नहीं है ना, तो कॉफी पर चाय नहीं है ना, इसका मतलब हमारे पास क्या पूछ रहे हैं कि हमारे पास कॉफी पीने वालों में से ये कॉफी और चाय पीने वालों को घटा देना है ना, तो देखिए दोस्तों ये हो जाएगा अपने पास एन ऑफ सी कितना है, ये आया अपने पास 12 माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी कितना आया था, ये आया था अपने पास 5 है ना, तो हो जाएगा अपने पास 7 व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने पास सिर्फ कॉफी पीते हैं लेकिन चाय नहीं पीते, और हमारा आंसर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।